आजकल के हर एक कमर्शियल एरोप्लेन में ऑटो पायलट सिस्टम जरूर लगा होता है। ऑटो पायलट को हवा में एक रूट मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय रियल पायलट्स को ही कंट्रोल हाथ में लेना पड़ता है। एक एरोप्लेन को कंट्रोल करने के लिए मेनली चार पार्ट्स का यूज किया जाता है। आगे के विंग्स में लगे एलेरॉन, फ्लैपरॉन, रडर और एलिवेटर। इन चार कंट्रोल से किसी भी प्लेन को किसी भी तरीके से नेविगेट किया जा सकता है। टेक ऑफ से पहले पायलट इसमें फ्लाइट पाथ सेट कर देता है और एक बार ऑटो पायलट को एंगेज करने के बाद में कंप्यूटर बस इस पाथ को इन चार कंपोनेंट की मदद से फॉलो करता रहता है ताकि ज्यादा लंबी फ्लाइट में पायलट को थकान ना हो, जो कि अक्सर 6 से 8 घंटे लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट 18 घंटे तक भी चल सकती है।